रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति सहाय, गेस्ट फैकल्टी CBPS रांची यूनिवर्सिटी एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। एंड इन दिस ऑडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इडियम्स एंड फ्रेजेस व्हिच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। So let's start. The first one is to fall flat. TOFFL fall flat. FLAT flat. It means to fail to meet with any response. इसका मतलब होता है कि कोई आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप उसको पूरी करने में फेल हो जाते हैं, तो उस idiom and phrase को कहते हैं to fell FLAT fall flat. The next one is to fall in with. TOFFL fall IN WITH with. इसका मतलब होता है to agree with WITH. Next one is to fall into pieces. To fall into pieces या फिर TO2 pieces. PIECS pieces. It means to break up completely. कोई चीज़ टूट जाता है ना completely. कहते हैं ना तितर बितर हो गया, पूरा खराब हो गया, like that. The next one is to fight with one's back to the wall. It means to make a final desperate struggle. कहते हैं कि अगर idioms and phrases है like कि to fight with one's back to the wall, तो उसका मतलब होता है final, मतलब एक desperate struggle करते हैं हम लोग कि चलो अब ये last है, जो भी करना है इसी में करना है, एकदम desperate होकर struggle करते हैं कि नहीं अब तो result लाना ही है वाला scene हो जाता है जब उस condition में. The next one is to foot the bill. TOFOOT foot the bill 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 to pay the bill. जब bill pay करते हैं ना बोलते हैं ना अच्छा तुम दो लोग गए डिनर करने के लिए या लंच या ग्रुप में गए तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे रुको तुम मैं bill pay करूँगा या करूँगी, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं आई विल पे द बिल, टू पे द बिल. इसको हम लोग फुट द बिल भी कहते हैं. आप एक और भी तरीका है इसे कहने का, डैट आई विल स्टैंड द बिल, STAND स्टैंड द बिल. ओके, द नेक्स्ट वन इज टू get down 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 to brass 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 tax TACKS tax. It means to come to the really important facts or business. क्या होता है इसमें कि इसका मतलब होता है कि आप कहते हैं ना कि to come to the really important facts, मतलब आपसे कोई बातचीत कर रहा है और आप एकदम important facts के ऊपर बात कर रहे हो और business के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी वेस्ट करने वाला, कोई भी ऐसा टाइम वेस्टिंग बात या यूजलेस टॉक नहीं कर रहे हो, इन दैट केस वी यूज टू गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स. बोल भी सकते हैं हम लोग ऐसे, मान लीजिए कोई आपको उलूल जुलूल की बातों में फंसा रहा हो तो आप कह सकते हैं विल यू प्लीज़ गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स. द नेक्स्ट वन इज टू गेट इन द वे टू ऑब्स्ट्रक्ट. द नेक्स्ट वन इज टू गेट इन टू हॉट वाटर. मुझे लगता है मैंने ये पहले भी आपको पढ़ाया है कि हॉट वाटर में टू गेट इन टू हॉट वाटर इट मीन्स टू गेट इन टू डिफ़िकल्टीज़. जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि वी आर इन डिफ़िकल्टीज़, वी आर समथिंग समथिंग एंड ऑल, तो हम लोग उस समय कह सकते हैं कि वी आर इन टू हॉट वाटर, मैं परेशानी में हूँ कहने के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है ये जिसे आप यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ टू ड्राइव ए हार्ड बार्गेन. BARGIN bargain, to drive a hard bargain. It means try to force an agreement favorable to oneself. इसका मतलब होता है कोई एक agreement करना जो किसी एक के लिए फ़ायदेमंद हो, उसके लिए force करना किसी को. Suppose आप लोग हो, चार पांच लोग हो, किसी एक को है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, लेकिन चार लोग चाह रहे हैं कि वो ऐसा करेगा तो हमें बेनिफिट होगी, तो फिर क्या करते हैं उस कंडीशन में, उस एग्रीमेंट को फेवरेबल बनाने के लिए, अपने अपनों के लिए मीन्स हमारे के लिए, हम लोग क्या करते हैं किसी को फोर्स करने लगते हैं. ठीक है, उस एग्रीमेंट के लिए या कोई एक ऐसा एग्रीमेंट करना है तो फोर्स करने लगते हैं फेवरेबल बनाने के लिए. ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज़ टू एंड इन फियास्को. TOENDED इन फियास्को FIASCO फियास्को. टू एंड इन कन्फ्यूज़न, इसका मतलब होता है कि आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, हमें आप क्या कर रहे हो कन्फ्यूज़न में, मतलब कन्फ्यूज़न में ही रह जा रहे हो. सपोज़ आपको किसी एक चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर निर्णय लेना है, आपने बहुत सारी कोशिशें की, तमाम कोशिश करने के बाद भी आपने क्या, आपको क्या मिला कि आपने वापस से कन्फ्यूज़न पे ही जा कर के वो ख़त्म हुआ, कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकला. The next one is
टू कट अ सॉरी फिगर, SORY, सॉरी FIGURE फिगर, इट मीन्स टू क्रिएट पुअर इम्प्रेशन, मतलब बुरा प्रभाव छोड़ते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ वगैरह में, कुछ एपिसोड्स में दिखाते हैं कि कोई एक बंदा है बहुत काम कर रहा है, या बंदी है बहुत काम कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है वो करने को, और फिर एट लास्ट क्या होता है, उसे सारा काम ख़राब हो जाता है, कितना भी मेहनत करे वो कोई नहीं देखता, और लास्ट में क्या होता है, सॉरी फिगर क्रिएट हो जाता है। इट मीन्स क्या होता है, जिसके लिए वो काम कर रहा होता है या कर रही होती है, तो उसके लिए क्या होता है, फिर पुअर इम्प्रेशन उसका वहाँ से क्रिएट हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू कट नो आइस, TOOCUT, कट NOICE, आइस, इट मीन्स टू मेक नो इम्प्रेशन, कोई भी इम्प्रेशन नहीं बनाना अपना। ये सारे idioms एंड phrases आपको याद रखने चाहिए, डे टू डे लाइफ में आपके लिए बहुत ही beneficial है, आपकी English भी improve होगी, exams में जब आपको questions दिखाई देंगे तो भी आप बहुत easy way में find out कर सकते हैं कि इसका क्या meaning है, अगर आप इसे daily basis पे use करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ टू कट सम वन डाउन टू साइज, टू कट CUT, कट सम वन डाउन DOWN डाउन टू TOOSIZE, साइज, इट मीन्स टू सो सम वन टू बी लेस गुड एंड इम्पॉर्टेंट दैट दे थिंक दे आर, इट मीन्स कि हम किन्हीं किन्हीं लोगों को दिखाते हैं कि भाई तुम इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो जितना कि तुम सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं उन्हें और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि तुम इतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो, इतने भी लायक नहीं हो। कभी कभी हम ऐसा मजाक में भी किसी को कह देते हैं, तो वो उसी तरीके का है। इट मीन्स इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए जो फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टू कट समवन डाउन टू साइज। नेक्स्ट वन इज़ टू कम ए क्रॉपर, CROPPER, क्रॉपर, इट मीन्स टू फेल कम्प्लीटली, कम्प्लीट फेल हो जाना, कोई आपने एफर्ट किया कोई रिजल्ट नहीं आया, आपने सोचा डैट आई हैव फेल्ड कम्प्लीटली, तो क्या होता है उस सिचुएशन में, जो idiom एंड फ्रेज हम यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है टू कम ए क्रॉपर, CROPPER, क्रॉपर। नेक्स्ट वन इज़ टू कॉज अ फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर, इट मीन्स टू कॉज एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटमेंट हो जाता है ना, कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है टू कॉज अ फ्लटर। द नेक्स्ट वन इज़ टू कैच अ टार्टर, TOOCATCH, कैच ए टार्टर, TARTER, टार्टर, टू डील विथ टू ट्रबल सम एन ओपोनेंट, मतलब होता है ना, कहते हैं कि कोई बहुत ही परेशानी क्रिएट करने वाला इंसान हो या ओपोनेंट हो, उसके साथ जब हम डील करते हैं तो उसे कहते हैं टू कैच अ टार्टर। एक बार SBI के एग्ज़ाम में ये ऑलरेडी idiom एंड फ्रेज जो भी है इसे पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस पेपर में मैं जब सॉल्व कर रही थी टू फाइंड आउट कि हाँ क्या क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे ये एकदम से यही सेम क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज़ टू कम टू द क्रंच, CRUNCH, क्रंच, इट मीन्स अ डिफ़िकल्ट मोमेंट व्हेन समथिंग इम्पॉर्टेंट मस्ट बी डिसाइडेड, एक डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है जब हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि भाई अब तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिसाइड करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में जो idiom एंड फ्रेज हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं टू कम टू द क्रंच, CRUNCH, मतलब चलो अब डिफ़िकल्ट मोमेंट है, इट्स ओके, बट वी हैव टू डिसाइड समथिंग इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टाइम आ गया है कि ये डिसीजन लेना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ टू कम टू ए हेड, HEAD, हेड, टू कम COME, कम, टू TOO, ए, HEAD, हेड, इसका मतलब है टू रीच अ क्राइसिस, एक क्राइसिस के दौर में पहुंच जाना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टू डू समथिंग ऑफ, OFF, ऑफ, वंस, ONE, वंस, ओन बैट, OWN, ओन बैट, BAT, बैट, इट मीन्स टू डू विदाउट हेल्प, जब आप अपना कोई काम किसी और की मदद के बिना करते हैं तो हम कहते हैं टू डू समथिंग्स ऑफ वंस ओन बैट। द नेक्स्ट वन इज टू गिव ए वाइड, WID, वाइड, बर्थ, BERTH, बर्थ, टू, इट मीन्स टू कीप वन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, टू अवॉइड, कभी कभी हम किसी से दूरी बना लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कुछ सिचुएशंस को, कुछ टॉपिक को अवॉइड करें, बेकार के यूजलेस के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू गिव अ वाइड बर्थ टू। द नेक्स्ट वन इज टू गिव अ फ्री हैंड टू, FREE, हैंड, HAND, TOO,
टू अलाउ अ पर्सन कंप्लीट लिबर्टी, किसी पर्सन को कंप्लीट छूट दे देना. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू गेट द जिटर्स, JITERS, जिटर्स, इट मीन्स टू बिकम नर्वस. जब नर्वस होते हैं तो टू गेट द सैक, SSC के सैक, टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से डिसमिस कर देना किसी को. टू गो एबेगिंग, ABEGGING, एबेगिंग, इसका मतलब होता है टू गो इन वैन, VIN, वैन. टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, इट मीन्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर. ह्यूमन नेचर क्या होता है? वो सारी चीज़ें, मोरल एजुकेशन जो हमें बचपन से मिली होती है कि हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए एंड ऑल. तो ह्यूमन नेचर से परे जब हम काम करते हैं तो हम उस समय idioms का यूज़ करते हैं, टू गो अगेंस्ट द ग्रेन. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज ऑडियो लेक्चर. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर. टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ.